हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल की रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल से अपने मोबाइल की जो सेटिंग्स है उसके अंदर आपको चला जाना है। और चले जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन अगर आपको नहीं मिलता है, आप पूरी की पूरी सेटिंग सर्च करते हो आपको नहीं मिलता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। और यहां पे सिंपल से आपको बताऊंगा कि अपने मन पसंद के रिंगटोन आप कैसे रख सकते हो। दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे मेरे इसमें तो फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन का, और यहां पे नीचे रिंगटोन भी लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों यहां पे देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहां पे देखिए ये रिंगटोन, यानी कि आप सिम 1 में कौन सी रिंगटोन रखना चाहते हो और सिम 2 में कौन सी रिंगटोन आप रखना चाहते हो। तो सिंपल सा यहां पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर सिम 1 में आपको कोई भी एक रिंगटोन यहां पे सर्च करना है तो यहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पे देखिए बहुत सारे रिंगटोन्स, मोबाइल की जो रिंगटोन है वो भी रख सकते हो। और अगर आपको अपने मोबाइल में जो स्पेशल हो, कोई सॉन्ग्स हो या कोई ऐसा म्यूजिक है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आपको वो रिंगटोन आप रखना चाहते हो, तो यहां पे जो प्लस का आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहां पे प्लस के आइकन के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो वो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी फोल्डर्स है यहां पे आपको दिखा देगा कि ये है, आपके सामने यहां पे पेश कर देगा। उसके बाद आप फोल्डर्स में भी जाके देख सकते हो कि आपने कौन से फोल्डर्स में अपने रिंगटोन्स रखी है, आपने कौन सा डायलॉग्स, अगर क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डायलॉग्स भी रखना पसंद करते हैं अपने रिंगटोन्स के अंदर, तो यहाँ पे वो फोल्डर्स के अंदर अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके कोई भी चीज़ आप रख सकते हो बड़ी अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखिए बहुत सारी रिंगटोन्स यहाँ पे दी हुई है, मैंने डाउनलोड की थी वो रिंगटोन्स यहाँ पे दी हुई है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये तो हो गया, यहाँ से आप मोबाइल के अंदर से भी रख सकते हो। और अगर आपकी सेटिंग्स के अंदर दोस्तों अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है, सिंपल सा दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहां पे आपको सर्च करना है रिंगटोन्स करके, ठीक है, यहां पे देखिए सर्च करना है आपको रिंगटोन, ठीक है। रिंगटोन आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके मोबाइल की सेटिंग्स पूरा के पूरा ये क्या करेगा, सर्च कर लेगा और रिंगटोन वर्ड्स को क्या करेगा, सर्च करके यहां पे आपको क्या करेगा, बता देगा, ठीक है। दोस्तों जैसे ये सर्चिंग हो रहा है तब तक आप मेरे चैनल अनम लॉजिक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाते रहता है। तो दोस्तों यहां पे आप देख रहे हो कि मेरी पूरी सेटिंग उसने क्या किया, सर्च कर लिया और जितने भी रिंग टोन लिखा हुआ था उतने सारे के सारे सेटिंग्स के अंदर से इसने क्या किया, पिकअप करके पुट करके यहाँ पे मेरे सामने क्या किया है, हाजिर कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, क्या अगर आप सभी चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे भी रिंगटोन के ऊपर सेलेक्ट करके रिंगटोन की सेटिंग्स कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको रिंगटोन सेट करना है तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने रिंगटोन को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको बता दिया है। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगर आपको इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिंगटोन की जो वॉल्यूम है वो भी सेट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉल अलर्ट की रिंगटोन भी आप सेट कर सकते हो, कॉल अलर्ट की जो रिंगटोन है वो भी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो सारी के सारे रिंगटोन्स आपके सेटिंग्स में होगी, वो आपके सामने क्या करेगी, पेश कर देगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल के रिंगटोन सेट कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल अनम लॉजिक को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर करना, और मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।